दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जगाधरी हलके की अनबान शान चौधरी अकरम खान जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ चुके हैं, 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है जो, तो उसी संदर्भ में चौधरी साहब से जानेंगे कि कैसी उनकी चुनावी तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो कैसी चल रही है सर आपकी चुनावी तैयारियाँ, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल तो हमारा बस बहन शैलजा जी की जो हरियाणा प्रदेश संदेश यात्रा चल रही है उसकी उसी कड़ी में जगाधरी विधानसभा का ये प्रोग्राम रखा गया था जो 31 तारीख को छिछरौली में है और बीच में चुनाव घोषित हो गए हैं, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम जुगत हुआ 31 को बहन शैलजा जी हमारे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो हमारे साथी कार्यकर्ता सभी इस काम में जुटे हुए हैं और बहुत बड़ी जनसभा होगी। तो बहुत बड़ी जनसभा 31 तारीख को आप छिछरौली में करने जा रहे हो। सर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का इस वक्त माहौल बना हुआ है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या वो चीज़ें हैं जिनको लेकर लोग कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जनता के बीच में जाते हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, वो कुछ खास वजह? 10 साल से जो समस्याएं थी वो ज्यों की त्यों, सिर्फ झूठे वायदे और लॉलीपॉप इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांटे हैं। जो महंगाई कम करने की बात थी महंगाई बढ़ी है, जो गरीबों को मकान बना के देने की बात थी वो भी कुछ नहीं है, रोजगार भी नहीं है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, तो सरकार का बहुत हो चुका है। अब लोग बदलाव चाहते हैं और मुझे 100% यकीन है कि बदली जाएगी सरकार। किसानों की आपने बात की, अभी भाजपा की एक सांसद है मंडी से, उन्होंने किसानों को लेकर एक विवादास्पद इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है किसानों को लेकर, उसको लेकर आप? मेरी मुझे जानकारी नहीं उस बारे में, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि किसान मजदूर या और जो वर्ग हैं वो लगातार धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। क्या ये समस्या कांग्रेस की सरकार आने पर हल हो सकती है या इसी तरह से चलेगी? ना कि सिर्फ किसान मजदूर, हर वर्ग परेशान है और हर वर्ग कोई ना कोई, अब आप देखिए हेल्थ वाले बैठे हैं, कभी आंगनवाड़ी वाले बैठे रहते हैं, कभी सरपंच बैठे रहते हैं, तो सब दुखी तो सब हैं और सुनी किसी की नहीं इन्होंने। तो कांग्रेस आएगी तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस तो सुनवाई करने वाली सरकार है, जनहित में काम करने वाली सरकार है, तो ज़रूर इस बारे में ध्यान। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए पिछले दिनों जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया हरियाणा का, तो उसके बाद उन्होंने घोषणाओं पर घोषणाएं लगातार जन क्रांतिकारी लोगों के लिए लाकर एक तरह से माहौल बदलने की कोशिश की, क्या वो तब्दीली ला पाएंगे या नहीं? देखिए 9 साल इनके राज को हो गए, अभी तक तो कुछ करा नहीं, अब ये 3 महीने में कुछ घोषणाएं करके, ये तो मेरे ख्याल घोषणा मंत्री के तौर पे ही एक्स मिनिस्टर हो जाएंगे, क्योंकि नायब सिंह सैनी दोबारा सरकार नहीं, इनकी सरकार तो दूर की बात है, असेंबली का जीत जब हुई बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी दावेदार लगातार टिकट के लिए हो रहे हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? देखिए पार्टी है, सभी लोग अपना दावा करते हैं और करना भी चाहिए, कोई बात नहीं, और जिन जिन लोगों ने काम करा है पार्टी के लिए वो तो अपना दावा करें, अच्छी बात है। जी सर एक सवाल लोकसभा चुनाव को लेकर भी है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहा है इस बार हरियाणा में, और अक्सर ये चीज़ बोली जाती है कि ये गठबंधन के कारण 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, क्या इस दावे में कितनी सच्चाई है? गठबंधन के कारण तो कुछ नहीं मिला, मैं तो ये तो कांग्रेस की खुद का प्रदर्शन था। खुद का प्रदर्शन था ये, क्या कांग्रेस पार्टी से बेहतर प्रदर्शन विधानसभा में? बिल्कुल करेगी, देखना। जगाधरी हलके की जनता के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश यही है, मैं तो विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि 31 को बहन जी को, बहन शैलजा जी का जो कार्यक्रम है उसमें भारी से भारी संख्या में पहुंचे और उसको सफल बनाए। किस टाइम का कार्यक्रम रहने वाला है? 4 बजे का, 31 शाम 4 बजे 31 छिछरौली अनाज मंडी। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे चौधरी अकरम खान जी, हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और इस वक्त लगातार अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, एक दौड़ जो चुनावी होती है उसमें लगे हुए हैं, और उसी संदर्भ में जिस तरह से बताया कि 31 तारीख को एक रैली होने वाली है छछरौली में होगी, जिसमें कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा मुख्य अतिथि के रूप में पहुँच रही है, उसका संदेश भी अपने कार्यकर्ताओं को दिया। आप देख रहे थे दरियाला टीम, मैं आपके साथ राशिद निराला, धन्यवाद।